नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना होती है। जो भी भक्त माता की कृपा पाना चाहते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा अवश्य करें। इससे माता प्रसन्न होंगी और मन वांछित वर की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि माता शक्ति का एक नाम दुर्गा भी है और इनका ये नाम कैसे पड़ा, आज हम इसी की कथा जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरातन काल में दुर्गम नामक दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सभी वेदों को अपने वश में कर लिया, जिससे देवताओं का बल छीन हो गया और उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं को देवी भगवती का स्मरण हुआ। देवताओं के आवाहन पर देवी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने एक स्वर में बताया कि दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेद तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है, कृपा करके आप उसका वध कर दीजिए। देवताओं की बात सुनकर देवी ने उन्हें दुर्गम का वध करने का आश्वासन दिया। ये बात जब दैत्यराज दुर्गम को पता चली तो उसने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। तब माता भगवती ने देवताओं की रक्षा की और दुर्गम की सेना का संहार कर दिया। सेना का संहार होते देख दुर्गम स्वयं युद्ध करने आया। इस पर माता भगवती ने काली तारा छिन्नमस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बगला आदि कई सहायक शक्तियों का आवाहन किया और उन्हें भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भयंकर युद्ध के पश्चात भगवती ने दुर्गम का वध कर दिया और दुर्गम का वध करने के कारण ही भगवती का एक नाम दुर्गा के नाम से विख्यात हुआ। ये देवी अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली तथा कल्याणकारी है। जो भी व्यक्ति माता दुर्गा की आराधना करता है, पूजा करता है, उसकी माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।